ये हमारी माता जी हैं जो खर जितिया का व्रत रखी हैं, और इनका इनके साथ साथ मैं भी आज व्रत रखूंगा। मैं अपने माता जी को बोल रहा हूँ कि अब व्रत रखना छोड़ दीजिए। 62 साल का उम्र हो गया है, 62 साल काहे के का। हमरे लोग पुरानिया लोग भूखता, हम काहे के छोड़े हैं। अरे तो पुरनिया लोग भूखता तो हाँ पुरनिया के लोग के पटीदारी बा, वो लोग सुखी बा, निरोग बा। बढ़िया मस्त हम तो रहते इतने में ही सब दिखाता, सब ये हैं। सब दर्द हो रहा है। मतलब ये लग रहा है कि अब यहाँ पे पूरे सीने में भी दर्द हो रहा है। पानी मांग रहे हैं, जवान सूख गए जवान। दोस्तों एक ही बात बोलना चाहूँगा कि माता लोगों का कर्ज कोई नहीं उतार सकता है। कोई इस दुनिया में नहीं पैदा हुआ है। 24 घंटे का निर्जला व्रत हम लोग ऐसे, मतलब जन्माष्टमी, नवरात्रि, दशहरा का व्रत रखते हैं तो ऐसे सुबह में कुछ खा लिए, दोपहर में मतलब फिर शाम को खा लेते हैं, पानी उनी पीते रहते हैं दिन भर। लेकिन इस पर्व में कुछ नहीं, छठ पूजा में भी कुछ नहीं। छठ पूजा में एक दिन का व्रत होता है, उसके बाद 24 घंटे का फिर से व्रत होता है। और सुबह सुबह मतलब अभी तो कुछ माताएं भूखी हैं, खाना भी बनाई होंगी सबके लिए। मेरे तो कुछ काम करने का दिल ही नहीं कर रहा है, सच बताओ तो। लेकिन अभी कुछ माताएं ऐसी भी होंगी जो काम की होंगी, बच्चों को खिलाई होंगी, सबको खाना दी होंगी, उसके बाद अभी बर्तन धोएंगी, घर संभालेंगी, फिर सोएंगी, फिर सुबह में जल्दी उठ के करना भी है। इतना बड़ा तपस्या मेरे से बस का नहीं है। इसीलिए आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि जिनकी भी माँ हैं वो बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उनके पास माँ हैं। सो प्लीज़ आप लोग मम्मी पापा का बात मानिए। हो सकता है कि वो लोग कुछ आपके नए ज़माने के हिसाब से वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं। आप उन लोगों को समझाने की कोशिश कीजिए। आप 4G ज़माने के हैं, वो लोग उन लोगों के ज़माने में 1G भी नहीं था। तो आप कम से कम समझाइए तो सही कि माता जी ऐसे नहीं ऐसे बा, पिताजी ऐसे नहीं ऐसे है, मैं ये कर रहा हूँ, हो सकता है कि सही होगा। एक बात और बोलना चाहूँगा कि मतलब आपके माँ बाप से ज़्यादा दुनिया में आपके लिए कोई ज़्यादा नहीं सोच सकता है। एक माँ बाप ही हैं जो अपने बेटा की सुख की हमेशा कामना करते हैं। आपकी बीवी कितना हो भी प्यारी रहेगी ना, अगर जेब में पैसा नहीं रहेगा सारा प्यार वहीं खत्म। लेकिन माँ बाप, आप बीमार पड़ जाते हैं, आपके बच्चों को भी वो लोग पढ़ाते हैं, आपको पढ़ा लिखा के बड़े किए, फिर बच्चों को भी पढ़ा लिखा के बड़े करते हैं। अभी मेरे ही जैसे चाचा के लड़के हैं, वो गुजर गए हैं, तो उसकी दादी भी हैं, उसके चाचा हैं, वो लोग उसको पढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। माँ बाप आई रियली लव यू। उठाती है बनिया, आगे कोई शब्द नहीं है यार मेरे बोलने के लिए, कुछ शब्द नहीं है। आप लोगों को क्या समझाऊं मैं। सुबह भी एक ही बात बोल रहा हूँ, इस टाइम भी एक ही बात बोल रहा हूँ। रिलेशन को संभाल के रखना पड़ेगा। भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, आपके पास टाइम नहीं है। माँ बाप, आप ऑफिस से आते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि माँ बाप घर पे रहते हैं या फिर साथ में रहते हैं, तो ऑफिस से आते हैं तो खाना लाते हैं, पानी लाते हैं, मतलब कुछ बेटा आया मेरा बेटा, और बेटे लोग ऑफिस का गुस्सा माँ बाप पे उतार देते हैं, बाहर का गुस्सा कुछ लोग कुछ बोलती हैं माता जी लोग, तो बाहर की गुस्सा उन पे उतार देते हैं। गांव देहात में भी मैं देखता हूँ कि कहीं से भी कुछ होता है तो जो भी गुस्सा होता है घर वालों पे उतारते हैं।
यार आपकी वो लाइफ अलग है, जो बाहर की लाइफ है अलग है, घर का रिलेशन अलग है। घर का तो रोटी बेटी दूध का कर्ज, मैं मतलब बहुत बोल नहीं पा रहा, मेरी जबान से आवाज नहीं निकल रहा इतना। जा खाए जा। हमू आज बरत व्रत रहब देखब, रही ना आज नहीं खाए के। हाँ तो मैं यही बोला था कि मतलब माँ या बाप, सिर्फ हो सकता है कि आप कुछ बोल रहे हैं वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, वो लोग पुराने ख्यालातों के हैं, वो हमेशा आपके भले के बारे में सोचते हैं, वो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, वो लोग कभी रिस्क नहीं लिए हैं। तो अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, आप रिस्क लेना चाहते हैं लाइफ में, तो यार आप आराम से समझाइए प्यार से कि पापा ऐसे हैं, मम्मी ऐसे हैं, या भाई भी हैं जो भी हैं, उनको प्यार समझाइए, उनसे अब झगड़ा मत कीजिए। अगर नहीं समझ पाते हैं उसके बाद भी आप 1 मिनट के लिए उनकी बात मान लीजिए, आप उनके पक्ष से भी बात मान के उस पर भी आप अपना विचार रखिए कि मैं ये करूँगा तो इतना ये होगा, ऐसे जाऊँगा, अगर मैं इसमें कर रहा हूँ तो मुझे ये खुशी हो रहा है, इतना करूँगा, यहाँ तक जाऊँगा, मुझे ये संतुष्टि होगा, कम से कम मुझे, मैं किसी को दोषी नहीं ठहराऊँगा, मैं अपने आप को दोषी ठहराऊँगा, आप लोगों को तो दोषी नहीं ठहराऊंगी, आपकी वजह से मैं ये हो गया, मेरा ये नुकसान हो गया। तो आप लोग आराम से समझाइएगा तो सब कोई समझेगा, और उदंडता में समझाइएगा, नहीं हम तो हम अपने मतलब करब जा, ऐसा नहीं। जिसने आपको 9 महीने पेट में पाला है, उसके बाद आपको पैदा होने के बाद भी पाला है, खिलाया है पिलाया है, जो बाप धूप में जाके खेती किया है, आपको खेत से अन्न उपजा के खिलाया है, मजदूरी करके फल फ्रूट सब्जी ला के आपको खिलाया है, आप उसका कर्ज नहीं अदा कर सकते, आप में दम नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि अरे हम तो के हिसाब दे दें, जो हम भी बताऊँ और एक बात जाते जाते एक और बोलना चाहूँगा कि आप जैसा करेंगे अपने माँ बाप के साथ, जैसा रवैया रखेंगे सॉरी आवाज़ नहीं सुख निकल रहा भाई है, एकदम मुँह सूख गया है, गला सूख गया है। सुख भाई बाबा के थोक घूट के काम चलाना पड़ रहा है, बहुत बहुत हालत ख़राब हो रहा है। मतलब जाते जाते एक ही बात बोलना चाहूँगा कि आप जैसा रवैया अपने माँ बाप के साथ रखेंगे, ऐसा ही सलूट आपके बेटा बेटी आपके साथ करेंगे, ये आप लिख के रख लीजिएगा 100%। क्योंकि बच्चे लोग, उनकी जो उम्र होती है, जो उनकी सेंस होता है, वो सीखने वाला सेंस होता है, जो भी बिहेवियर, जो भी आपका मतलब बर्ताव होता है अपने माँ बाप के साथ, वो सारे चीज़ उसके दिमाग में फिट होता है। आप ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, वो भी उसके दिमाग में फिट होता है, आप प्यार से बात छोड़ के करते मजा हैं, वो भी उसके करता दिमाग में फिट होता है, आप अपने माँ बाप के साथ प्यार से रहते हैं, वो भी आपसे बहुत प्यार करेगा, आपका भी बेटा बहुत प्यार करेगा। आप अपने माँ बाप से ठीक से पेश नहीं आएंगे, आपके बेटा बेटी भी ऐसे ही आपके साथ करने वाले हैं। और अभी तो चलिए ठीक है, पहले के माँ बाप लोग हैं, उनको बीमारियाँ कम हो रही हैं, वो चल फिर रहे ले रहे हैं मरते दम तक, लेकिन आप सोचिए आप लोग का क्या होगा, जो इस ज़माने में 60 से ज़्यादा लोग जी नहीं रहे हैं, और 40-50 के बाद शुगर है, बीपी है, तो किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई बीमारी है।
बीमारियों का ये भरमार है हम लोगों का शरीर नए जमाने का। सो प्लीज सपोर्ट योर पेरेंट्स और उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप समय बिताएं, जितना कोशिश हो सके आप उतना समय बिताइए। और कल एक वीडियो आने वाला है, परसों भी एक वीडियो आने वाला है, तो कमिंग वीडियो के लिए, और इस वीडियो में आपको अगर थोड़ा सा भी अपने माँ बाप के प्रति प्यार है, और या फिर आपको कुछ मतलब यहाँ से कुछ ज्ञान हुआ है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं समझ पाते हैं, वीडियो शेयर कीजिए, क्या पता उनके समझ में आ जाए, और नहीं आएगी तो फिर उनके तो बेटा बेटी उनको समझाएंगे, और कोई इस दुनिया में नहीं उनको समझा सकता है। चलिए वीडियो को यहीं हैप्पी एंडिंग बोलते हैं। बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।